बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, जहां यूपी में राज्यसभा का चुनाव जारी है और बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में ही खेल हो गया है और राजभर की पार्टी से दो विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। राजभर के दो विधायकों ने सपा प्रत्याशी को वोट दे दिया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई। और राजभर के पांच विधायकों में से दो वोट सपा को चले गए हैं, सूत्रों से मिली ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आठ विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है और सपा के आठ विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया है, तो सभी दलों के मिलाकर 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है और बीजेपी ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे, समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे और कुल मिलाकर 10 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव हो रहा है। और ये बड़ी सियासी उथल पुथल इस वक्त देखने को मिल रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान राजभर के पांच विधायकों में से दो वोट सपा को गए हैं, सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजभर की पार्टी में ही एक बड़ा खेला होता हुआ, उधर सपा के कुछ विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और सशक्त हो, विकसित भारत की जो कल्पना संकल्पना माननीय मोदी जी ने की है वो शीघ्र पूरी हो। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीत रहे। श्री अखिलेश यादव जी की हताशा में अभी आप सबके माध्यम से चैनलों में देख रहा था। अगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे या उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे। जहां तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जीत पक्की है और जिताने में समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है कि एनडीए का प्रत्याशी कैसे जीते उसके लिए समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। मेरा वोट पीडीए के लिए है, मेरी प्रतिबद्धता पीडीए के लिए है। देखिए, आज राज्यसभा चुनाव की बात है और मुझे लगता है कि आज उसी पर बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पीडीए हमारी पहचान है, पीडीए के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पीडीए हमारा वचन है और मैं स्वयं पीडीए हूँ। अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा, हनुमान जी महाराज का दिन है आज, आठवां विजय होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, सपा में ये जो 8 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को क्रॉस वोट किया है राघवेंद्र, और एक बड़ा खेला यहां पर राजभर की पार्टी में भी होता हुआ देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सियासी घटनाक्रम पर? मनीषा, अगर हम बात समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं तो 8 उम्मीदवारों ने जो उनके विधायक थे उन्होंने बगावत की थी, जिसमें 7 पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, आशुतोष मौर्य, मनोज पांडे, अभय सिंह, ये सब तो अपना वोट डाल चुके हैं और इनके पूरी संभावना है कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीतने की बात इन लोगों ने की है। एक प्रत्याशी प्रजापति हैं जो अभी सपा के जो विधायक हैं वो अभी अपना वोट डालने नहीं आई हैं, अगर वो भी आ जाती हैं तो सपा के 8 कहीं ना कहीं से विधायक टूटते हुए नजर आएंगे। बसपा की हम बात करें तो बसपा का एक और था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। जनसत्ता दल का 2 और था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है।
अब बात आती है ओपी राजभर की, सुभाषपा की पार्टी की, दो प्रत्याशियों का जो जिक्र आपने किया कि उनके दो विधायक टूटे हुए हैं और क्रॉस होकर उठे हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इसका खंडन किया है और उनका कहना है कि मेरे सारे विधायकों ने हम ही को वोट दिया है और बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया है। और अखिलेश यादव का भी एक्स पे एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल ये चुनाव ये जांचने के लिए था कि पीडीए के साथ है कौन दिल से और कौन पीडीए के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं से हमने एक पहचान की है कि पीडीए के साथ आखिर कौन है और कौन पीडीए का विरोध करता है। हालांकि नरेश उत्तम पटेल से जब पूछा गया, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आप तीनों सीटों पे जीत दर्ज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतने के लिए ही लड़ते हैं और क्या होगा ये शाम को पता चलेगा। हालांकि शिवपाल यादव की देखरेख में सारे वोट पड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। वहीं पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उप मुख्यमंत्री के साथ देखी गई हैं और उन्होंने भी वोट अपना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। तो कहीं ना कहीं से जब संजय सेठ से हमने पूछा कि आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम चुनाव 100% जीत रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से जब पूछा गया कि आपका आठवां प्रत्याशी कैसे जीतेगा, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की विश्वसनीयता है, ये योगी का विकास है कि अन्य पार्टियों के नेता भी हमारी जन नीतियों से खुश होकर के हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हमें वोट दे रहे हैं और आठवां प्रत्याशी डबल मार्जिन के वोट से जीतेगा। अगर अखिलेश यादव को 20 वोट पड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उसके जस्ट डबल पड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि आठों सीटों पे हमें जीत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, और एक बार फिर से लालचंद का रुख करना चाहेंगे। लालचंद, तो कुल मिलाकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी दलों के कुल मिलाकर 10 विधायकों ने अभी तक क्रॉस वोट किया है, तो बीजेपी के तो जो हौसले हैं वो फिलहाल बुलंद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के हौसले किस तरह से पस्त होते हुए? सीटों के लिए जो है 9 बजे से शुरू हुआ विधानसभा के जो है तिलक हाल में, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को यहाँ पर धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो बगावती सुर में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बुलाया था उसमें भी उनके विधायक नहीं पहुंचे, 7 से 8 विधायक, इसके साथ ही जो उन्होंने डिनर पार्टी रखी थी उसमें भी नहीं पहुंचे, जिसके बाद सुबह ये देखने को मिला कि तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो विधानसभा पहुंचे और क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी विधायक उनके दिखाई दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनके विधायकों से जब बात की गई तो कई लोगों ने कहा कि वो अंतर आत्मा जानते हैं कि वो किसको वोट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई दे रहा है कि क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात की जाए, चाहे राकेश पांडे की बात की जाए, चाहे मनोज पांडे की बात की जाए, और मनोज पांडे ने सबसे बड़ा झटका तब दे दिया जब वोटिंग वो करने पहुंचे थे विधानसभा, उसके पहले उन्होंने मुख्य सचेतक पद से जो है इस्तीफा दे दिया, यानी कि जिस तरीके से राज्यसभा का लिए जो है वोटिंग हो रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को यहाँ पर धक्का लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे उस पीडीए के नारे के खिलाफ कहीं ना कहीं अब तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पल्लवी पटेल भी लगातार जो है मीटिंग में नहीं पहुंची थी, लेकिन वो विधानसभा वोट करने पहुंची, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो पीडीए के साथ है, वो पीडीए है और पीडीए को उन्होंने वोट दिया, लेकिन ये साफ हो जाएगा जब 4 बजे जब वोटिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद जब मतों की गिनती होगी उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि कौन किन किन विधायकों ने जो है बीजेपी का समर्थन किया है और किन विधायकों ने समाजवादी का समर्थन किया है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि चाहे बसपा के विधायक उमा शंकर की बात करें, उन्होंने संजय सेठ को वोट किया है, इसके साथ ही राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ है, ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ है क्योंकि उनके साथ उनका गठबंधन है, लेकिन एक वोट जो है सामने आया है कि ओम प्रकाश राजभर का जो है विधायक एक समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन ये जरूर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी को लगातार बीजेपी झटका देते हुए दिखाई दे रहे, राज्यसभा में जहां उनको झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगातार कमजोर करती हुई बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है। मनीषा,
ठीक है, पल पल का अपडेट आप सभी से लेंगे, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। तो यूपी में राज्यसभा का चुनाव जारी है और पल पल का अपडेट हम इस पे आपको दे रहे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार राज्यसभा से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर उठक पटक चल रही है। एक तरफ जहां क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही है, तो यूपी में राज्यसभा का चुनाव जारी है। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में ही खेल हो गया है। तो राजभर की पार्टी से दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। हालांकि राजभर कहे कि ये बात सच नहीं है, हमारे जितने भी विधायक थे हमारे कहने पर ही वोट दिया है, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग की खबर राजभर की पार्टी से भी आती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र तिवारी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपके पास आऊंगी, क्योंकि इस वक्त राज्यसभा पर सबकी नजर है, क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की बात दोनों तरफ से की जा रही है, कितना दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है, कितना दिलचस्प ये परिणाम जो शाम 5 बजे आएगा। रितु, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के रूप में उतारा था, तभी ये क्लियर हो गया था कि ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही रहस्यों से भरा होने वाला है। संजय सेठ वो नेता हैं जो पूर्व समय में समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी रहे हैं और मुलायम सिंह के बहुत खास माने जाते थे। वैसे उनका अलग कारोबार है, लेकिन राजनीति में जब आए तो MLC तो नहीं बन पाए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो एक बार राज्यसभा गए। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो एक बार राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी से भी गए, और उसके बाद बीच में एक गैप हुआ 5 साल का, उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। संजय सेठ वो नेता है कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी के नेताओं से उनके नजदीकी संबंध है, और यही देन है कि कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी में भी इतना बड़ा विद्रोह देखने को मिला कि संजय सेठ को वोटिंग करने के लिए 8 विधायक समाजवादी पार्टी के टूटते हुए दिखाई दिए, जिसमें मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ वोट डालने गए थे जी। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह को देख लीजिए, उसके अलावा पूजा पाल को देख लीजिए, तो 8 विधायकों का टूटना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का उस रूप में हो जाता है जब आप PDA की वकालत करते हैं और आपके PDA के नेता भी आपका साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं, और लोकसभा का चुनाव जब सिर पे हो और ऐसे में आपके PDA के अहम हिता स्वामी प्रसाद मौर्य हो या समझने विचारने का ये समय है, ये दौर है। बिल्कुल राघवेंद्र, अभी ये जागने का समय अखिलेश यादव के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में इस तरह की स्थिति अगर पार्टी में पैदा होती है तो कहीं ना कहीं सवाल जो बार बार अखिलेश की पार्टी पर खड़े हो रहे थे कि अपने ही विधायकों को बांध नहीं पा रहे हैं, और वही तस्वीर अब नजर आ रही है। हमारे साथ अनिकेत भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनिकेत, अभी लखनऊ में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें सुबह से आपने देखी है, क्योंकि अभी वक्त है शाम 5 बजे तक का, लेकिन हलचल इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। देखिए ऋतु, अगर बात की जाए साफ तौर पर, ये जो पूरी जो राजनीति चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं कई दिनों से चल रही थी, और अगर बात की जाए जो सेंधमारी की, जो था कहीं ना कहीं क्रॉस वोट होता हुआ नजर आ गया इस राज्यसभा के चुनावों में, उसका डर कहीं ना कहीं कल रात से देखने को मिला था, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी आयोजित की थी, और हालांकि उसमें कई विधायक पहुंचे भी नहीं थे, जिसका नतीजा देखने को मिला, जो सामने जानकारी निकल कर आ रही है ऋतु, कि 8 ऐसे विधायक है समाजवादी पार्टी की जो क्रॉस वोट करते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर बात की जाए NDA की, तो NDA के पास 287 अभी विधायक है अलग अलग घटक दलों को मिलाकर, और 9 वोट और चाहिए तब उनका 8वां प्रत्याशी जो संजय सेठ के रूप में बीजेपी ने बनाया था उनको जीत मिल पाएगी। तो हालांकि फिलहाल जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है ऋतु,
कि 8 क्रॉस वोट हो चुके हैं, यानी कि एक और वोट क्रॉस हो जाएगा तो संजय सेठ कहीं ना कहीं राज्यसभा जा सकते हैं बीजेपी की तरफ से। तो साफ तौर पर पहले ही बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं दिलचस्प मोड़ देने का जो जो रुख था पहले ही बीजेपी ने तय कर दिया था। संजय सेठ को जैसे ही प्रत्याशी बनाया तो उसके बाद से ही जो अलग जो राजनीतिक दल थे उनमें हलचल जरूर देखने को मिली थी। हालांकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के पास में 108 विधायक है कांग्रेस को मिलाकर, तो अब उनको अगर अगर अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताना है तो उनको 111 वोट चाहिए होंगे और पहले ही 8 क्रॉस वोट हो चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की, कुछ विधायक जानकारी में आ रहा है कि 2 विधायकों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, लेकिन अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं। हालांकि 5 बजे तक पूरी तरह से ये स्थितियां पूरी स्पष्ट हो जाएंगी ऋतु कि आखिर जो 8वां प्रत्याशी बीजेपी ने संजय सेठ को बनाया था क्या वो राज्यसभा जा रहा है या फिर समाजवादी पार्टी जो तीसरा प्रत्याशी है वो आलोक रंजन जो पहले उनके उनके सरकार में प्रमुख सचिव रहे थे वो जाते हैं राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं पूरा ये चुनाव है पूरी तरह से दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और 5 दिन तक कहना की पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव जरूर ये कह रहे हैं कि उनके लिए टेस्ट था कि पीडीए के साथ कौन कौन विधायक है, लेकिन जरूर इस चुनाव से कहना बड़ा झटका अखिलेश यादव जरूर लगेगा और कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी चल रही थी लोकसभा की एक बड़ा कुंबा तैयार हो रहा है, इंडिया बड़ा गठबंधन बनाया, 28 घटक दल उसमें शामिल किए गए एनडीए के विरोध में, तो वो स्थितियां कैसे बनेंगी क्या कुछ आने वाले समय में, क्योंकि अपने ही पार्टी में जब विधायक टूट कर जा रहे हो तो ऐसे में जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है। समाजवादी पार्टी दे रही है और परीक्षा से समाजवादी पार्टी कैसे निकलेगी ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हमारे साथ लालचंद्र जुड़ चुके हैं लखनऊ से। लालचंद्र, क्योंकि जिस तरह से ये राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है, हालांकि ये बात पहले भी की जा रही थी, जिस तरह बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारा था, कहीं ना कहीं वो रुख वो हवा बदलती हुई नजर आई कि अब शायद इसमें दिलचस्प मोड़ आ सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है जिसकी उम्मीद की जा रही थी पहले से और वही तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जो है तैयारी कर रही थी अपने आप को मजबूत करने के लिए कि 8वें प्रत्याशी को जिताया जा सके, इसको लेकर उन्होंने राजा भैया से मुलाकात की और यहाँ तक कि जो आरएलडी के उनको विधानसभा सत्र जब चल रहा था उसके पहले उन्होंने जो है बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने देकर जो है चौधरी जी को जो है भाषण देकर उनको अपने कब्जे में कर लिया। ऐसे में आरएलडी जो 9 विधायक उन्होंने एक साथ एनडीए को जो है मतदान किया और ये माना जा रहा है कि जो है संजय सेठ को जिताने के लिए बीजेपी ने भरपूर मेहनत की, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को उन्होंने तोड़ दिया और कांग्रेस जो है क्रॉस वोटिंग उन्होंने करवाई और जिस तरीके से ये पूरा जो है बीजेपी ने जो है पूरी तैयारी की पूरा प्लान किया वो कहीं ना कहीं अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के साथ जो है समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से उनके विधायक टूट रहे हैं या अखिलेश यादव ने भी ये भी आरोप लगाया कि हो सकता है उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर फोन आ रहा है, उनके ऊपर FIR खोलने की बात कही जा रही है, तमाम इस तरीके से बातें कही गई, लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि आज राज्यसभा चुनाव के लिए जो 10 सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह 9 बजे से, तो उसमें जरूर ये देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि बसपा का जो है एक विधायक जो है उमा शंकर सिंह वो भी एनडीए को जो है समर्थन किए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटके पे झटका लग रहा है, उनके मुख्य सचेतक ने जो है इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए और भी ज्यादा जो है अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी लगातार सेठ मारी है और अपने आप को मजबूत करते हुए दिखा रही है। लालचंद राघवेंद्र आपके पास आऊंगी, क्योंकि अभी लगातार वोटिंग जारी है, अब तक कितनी वोटिंग हो चुकी है इसके साथ ही लिटमस टेस्ट की तरह इसे देखा जा रहा था और लिटमस टेस्ट में किस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक फेल होते हुए नजर आए, जो आरोप लगातार अखिलेश यादव शिवपाल यादव लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त की जा रही है, वो आरोप सच है या फिर अखिलेश यादव अपने कुनबे को समेट नहीं पा रहे हैं? ऋतु, इस समय हम उस स्थान पे मौजूद हैं जहाँ पे वोटिंग चल रही है, अगर तस्वीरों में आप दर्शकों को दिखाना चाहें तो तस्वीर दिखाइए। छिटपुट एक आध विधायक जा रहे हैं इस समय, मतलब
मत का प्रयोग करने एक आध विधायक जा रहे हैं, चूंकि सुबह संख्या ज्यादा थी और उस समय भीड़ चल रही थी, लेकिन अब आधे घंटे से तकरीबन छिटपुट एक दो विधायक जा रहे हैं, अपना वोट दे रहे हैं और वोट प्रतिशत लगभग 80-85% के बीच में हो भी गया है। जो थोड़े बहुत वोट बचे हुए हैं एक घंटे में हमें लगता है कि सारे वोट पड़ भी जाएंगे। और जहां तक लिटमस टेस्ट की बात है ऋतु, समाजवादी पार्टी भांप नहीं पाई है, उसके एक से एक कद्दावर नेता जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे, हम चाहे बात अभय सिंह की करें, राकेश प्रताप सिंह की करें, राकेश पांडे की करें, मनोज पांडे की करें, ये वो कद्दावर नेता थे जो अखिलेश के टीम वर्क में कोर टीम के जाने जाते थे। इन लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का विषय है। केवल बात राज्यसभा चुनाव की नहीं है, अभी कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे में पीडीए की बात करते हैं, एनडीए के गठबंधन की बात करते हैं, आखिर कैसे सहेजेंगे, कैसे लड़ेंगे? अगर आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पाएंगे तो आगे की लड़ाई कैसे करेंगे? आपका इतना बड़ा पीडीए का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आपका साथ छोड़कर चला गया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए ये मंथन का विषय है। और इस टेस्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मीलों आगे दिखाई दे रही है और वो आठवें प्रत्याशी के जीत के लिए इसीलिए बार बार दावे कर रही है कि हमारे आठवें प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, और जो ये कहा जा रहा है कि राजभर की पार्टी से भी दो विधायक शायद क्रॉस वोटिंग कर सकते, अगर ऐसा होता है, अगर ये सच्चाई होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी झटका हो जाएगा। नहीं ऋतु, ओपी राजभर से अभी लगभग 20-25 मिनट पहले बात हुई है जब मीडिया के सामने आए थे और उनका स्पष्ट दावा है कि मेरे सारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हैं, एक भी विधायक के इधर उधर जाने की संभावना ही नहीं है। और जहां तक मुझे भी लगता है कि सुभाषपा का ऐसा कोई विधायक नहीं दिख रहा है जो किसी बात को लेकर बगावत किया हो या उससे दूर जाए, वो भी सभी सरकार के हिस्सा बने रहना चाहते हैं और लोकसभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। पार्टियों में जो टूट फूट हुई है वो कहीं ना कहीं से बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है और समाजवादी पार्टी के जो 8 विधायक हैं उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। और अगर एक आध और विधायक जिनकी नाराजगी वो खुलकर न आए हों, अगर वो भी क्रॉस वोटिंग करते हैं तो समाजवादी पार्टी को वास्तव में लोकसभा के पहले गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि अगर एनडीए से लड़ना है, मोदी से लड़ना है, तो आपको बहुत बड़ा कुनबा अपना मजबूत करना होगा, कुनबा बढ़ाना होगा। अगर आपके एक एक नेता ऐसे पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो पार्टी ऐसे ही कमजोर हो जाती है और फिर मोदी से लड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अभी राज्यसभा का चुनाव जारी है, 5 बजे इसके नतीजे आएंगे, लेकिन 10 सीट है, 11 उम्मीदवार है, क्रॉस वोटिंग की बात की जा रही है, लेकिन कितनी सच्चाई है, 5 बजे वो तस्वीर साफ हो जाएगी और किसकी जीत होती है वो भी साफ हो जाएगा।